क्लास 10 के वर्ड प्रॉब्लम्स में आज इस वीडियो में भी हम एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस करेंगे। हम लोग करने जा रहे हैं लेसन नंबर 3 में 3.4 में क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, आप जानते हो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाला चैप्टर है, दो चर वाले समीकरण। यहाँ एक चर एक वेरिएबल को हम लोग x और एक चर एक वेरिएबल को हम लोग y मानकर हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, और हर क्वेश्चन में हम यही दो चर यही दो वेरिएबल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया है। मीना वेंट टू अ बैंक कैशियर, मीना एक बैंक कैशियर के पास जाती है विड्रॉ 2000 रुपीज, 2000 रुपए निकालने। बैंक कैशियर यानी बैंक में काम करने वाला खंजाजी होता है जो पैसे निकाल कर लोगों को देता है। आपने देखा होगा जब हम बैंक में जाते हैं तो वहाँ हम लोगों को एक फॉर्म भरना पड़ता है, विड्रॉ फॉर्म। ठीक है, हमें बैंक का कैशियर खंजाजी जिसे कहते हैं पैसे निकाल कर देता है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। मीना नाम की एक लड़की बैंक कैशियर के पास जाती है 2000 रुपए निकालने के लिए। ठीक है, शी आस्क द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट ओनली, यानी वो कैशियर को बोलती है कि भैया मुझे केवल 50 रुपए का नोट चाहिए और 100 रुपए का, उसके अलावा 10-20 के नोट मुझे नहीं चाहिए, मुझे 2000 रुपए चाहिए, 2000 रुपीज चाहिए जिसमें 50 के नोट भी हो 100 के नोट भी हो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आगे कैसे जाएगा इसके लिए आप लोगों को लास्ट लाइन पढ़नी पड़ेगी। लास्ट लाइन है हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड 100 सी रिसीव्ड, तो आप बताइए कि उसे 50 रुपए के कितने नोट मिले और 100 रुपए के कितने नोट मिले, तो इसी को एक्स और वाई सपोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं दोनों मीडियम वालों को समझाता हूं। सपोज नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट एक्स एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट वाई। ठीक है, माना 50 रुपए के नोट उसे एक्स मिले और 100 रुपए के नोट उसे वाई मिले, मतलब ये एक्स और वाई क्या है, ये एक्स और वाई उसके द्वारा प्राप्त किए हुए नोटों की संख्या है, उससे जो नोट रिसीव्ड हुए उसके नंबर। चलिए हमने ये मान लिया कि उसे 50 रुपए के नोट x मिले और 100 रुपए के नोट y मिले। ठीक है, अब हम फर्स्ट कंडीशन पे आते हैं। प्रथम शर्त, ठीक है, मीना गॉट 25 नोट इन ऑल, मीना को इस प्रकार 25 नोट मिले प्राप्त हुए। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है। तो मीना ने उस कैशियर को बोला कि भाई मुझे 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट चाहिए, और कैशियर ने उसे 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट निकाल के दिए, और इस प्रकार मीना के पास टोटल कितने नोट आए, 25 नोट आए। तो यहां से आप फर्स्ट कंडीशन बना लोगे, उसे 50 रुपए के नोट कितने मिले होंगे एक्स, और 100 रुपीज के नोट 100 रुपए के नोट कितने मिले होंगे वाई, इन दोनों को प्लस करके उसके पास टोटल कितने नोट है 25। बात नोटों की हो रही है, उसे कितने नोट मिले 25, शी गॉट 25 नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड रुपीज 100, उसे 50 रुपए के और 100 रुपए के कुल मिलाकर 25 नोट मिले हैं। तो पहली परिस्थिति फर्स्ट कंडीशन नोटों पर आएगी, नोट्स के नंबर पर आएगी, 50 रुपीज के नोट उसे x मिले होंगे, 100 रुपीज के नोट उसे y मिले होंगे, और दोनों को मिलाकर उसे कितने नोट मिले होंगे 25। अब आप बोलेंगे सर सेकंड कंडीशन कैसी आएगी, दूसरी शर्त सेकंड कंडीशन, दूसरी शर्त सेकंड कंडीशन में आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। मीना ने कुल 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक कैशियर से कहा कि मुझे 2000 रुपए चाहिए। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन कैसे बनेगी, आप देखिए आपके पास 50 रुपीज के एक्स नोट है और 100 रुपीज के वाई नोट है,
और इन दोनों का अगर हम लोग सम करें टोटल, तो उसके पास कुल मिलाकर 2000 रुपीज हो जाता है। आप बोलेंगे सर आपने ऐसा क्यों किया, आप सोचिए कि अगर आपके पास 50 रुपए के 50 रुपीज के 4 नोट हो तो आपके पास 200 रुपए हो जाएंगे, ठीक है, और 100 रुपीज के 5 नोट हो तो आपके पास 500 रुपए हो जाएंगे। इस टाइप से आपके पास टोटल कितने पैसे हो जाएंगे, 700। इसी के अकॉर्डिंग मैंने ये समीकरण इक्वेशन बनाया है। मीना को 50 रुपए के नोट चाहिए और 100 रुपए के नोट चाहिए। कैशियर ने उसे 50 और 100 के नोट निकालकर कुल 25 नोट दिए, टोटल 25 नोट डिस्ट्रीब्यूट किए। तो 50 रुपीज के नोट और 100 रुपीज के नोट, ये नोटों की संख्या है, नंबर ऑफ नोट्स, और नंबर ऑफ नोट्स कितना है टोटल 25। 50 रुपए के नोट x है, 100 रुपए के नोट y है, और इन दोनों को मिलाकर कुल कितने नोट मीना को मिले, 25। अब बात करें पैसों की, रुपीज की, तो 50 रुपए के x नोट मीना को मिले और 100 रुपीज के y नोट मीना को मिले। जैसे 50 रुपए के 4 नोट, 200 रुपए, 100 रुपए के 5 नोट, 500 रुपए, ठीक है। इस टाइप से 50 रुपीज के x नोट मीना को मिले हैं और 100 रुपीज के y नोट मीना को मिले हैं। इस टाइप से इन दोनों का टोटल करके मीना के पास कुल कितना पैसा आया, 2000 रुपए, 2000 रुपीज, ठीक है। ये आपकी दूसरी शर्त, सेकेंड कंडीशन बन गई। अब हम इसे विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें, देखते हैं। कैसे करें, यहां देखें, x प्लस वाई इक्वल टू 25 एंड 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000, ठीक है ना। अब इसे हम जब विलोपन विधि से हल करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, तो y के गुणांक, y के कोएफिशिएंट सेम करेंगे। उसके लिए यहां y के साथ 100 लगाए मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे और यहां y के साथ 1 लगाए मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, तो ये हो जाएगा 100x प्लस 100y प्लस 2500 2500, और ये हो जाएगा 50x 50x 100y 100y, और ये हो जाएगा 2000 2000, ठीक है। अब y से y कैंसिल होना चाहिए, जैसा आपका एलिमिनेशन का रूल है, नीचे के साइन चेंज कर दे, इसमें से इसे माइनस कर दे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 50x आएगा 50x, और प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा 500 500, x निकालने के लिए 500 500 के अपॉन में 50 आएगा, तो x का आंसर आ जाएगा 10। अब इसे हम नंबर 1 में पुट कर देंगे, नंबर 1 है आपका x प्लस y इक्वल टू 25, x की प्लेस पे आएगा 10 प्लस y इक्वल टू 25, ठीक है। y फाइंड करने के लिए 25 में से 10 माइनस करेंगे तो आपका y आ जाएगा 15 15। अब आप इसे कंडीशन को फॉलो करेंगे तो आप बताइए कि आपके 50 रुपीज के नोट, 50 रुपए के नोट को आपने x माना था जो कि 10 आया, और 100 रुपए के नोट को आपने y माना था जो 15 आया। अब ये दोनों को मिलाकर टोटल 25 नोट हो जाते हैं, ठीक है। और 2000 रुपए कैसे होंगे, 2000 कैसे होंगे, उसे 50 रुपीज के कितने नोट मिले, 10, यानी ये हो गया 500 रुपए, 500, और 100 रुपए के कितने नोट मिले, 15 15, ये हो गया आपका 1500 15। इन दोनों का टोटल लगाएंगे तो 2000 2000 आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से अपना एक क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है। अब हम वर्ड प्रॉब्लम में 3.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, ठीक है। 3.5 में 4th का 3rd क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। यश को 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, यश नाम के एक बच्चे को किसी टेस्ट में 40 नंबर मिले, लेकिन कब, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। उसे ये 40 नंबर कब मिले, जब वो सही उत्तर देता है तो हर उत्तर पे उसे 3 नंबर मिलेंगे, और गलत उत्तर देगा तो उसका एक नंबर एक उत्तर पे कट जाएगा। मतलब जब वो एग्जाम में सही क्वेश्चन करता है तो उसे हर क्वेश्चन पे 3 मार्क्स मिलेंगे, और गलत क्वेश्चन करता है तो हर क्वेश्चन पे उसका एक मार्क्स कट जाएगा। इस टाइप से उसे कुल मिलाकर 40 नंबर मिलते हैं, ठीक है।
आगे लिखा है, had 4 marks awarded for each correct answer. अब उसे हर सही उत्तर पे 4 नंबर मिले हैं and 2 marks being deducted from each incorrect answer. और जब वो गलत उत्तर देता है तो 4 नंबर उसके, सॉरी 2 नंबर उसके कट जाते हैं. ठीक है, आपको बताना है यश वुड हैव स्कोर 50 मार्क्स. सेकंड कंडीशन में उसे 50 नंबर मिलते हैं. हाउ मेनी क्वेश्चंस वेयर इन द टेस्ट, टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे. ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन जो है ये दो चीजों पर डिपेंड है, सही क्वेश्चन और गलत क्वेश्चन. मतलब यश ने एग्जाम में सही क्वेश्चन भी किए हैं और गलत क्वेश्चन भी किए हैं. तो अब हम इन्हीं को एक्स और वाई मान लेंगे. ठीक है, माना सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या. मैं ये दोनों मीडिया वालों को समझा रहा हूं, इसे एक्स मान ले और गलत हल किए गए प्रश्न की संख्या इक्वल टू वाई. ठीक है, इंग्लिश में लिख देता हूं मैं इसे. सपोज नंबर ऑफ करेक्ट, सॉरी करेक्ट आंसर विल बी एक्स एंड नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर विल बी वाई. मतलब मैंने ये मान लिया कि यश ने एग्जाम में सही क्वेश्चन कितने किए, करेक्ट आंसर कितने दिए एक्स, और गलत क्वेश्चन कितने किए, इनकरेक्ट आंसर कितने दिए वाई. ठीक है, अब हम फर्स्ट कंडीशन पे आ जाते हैं. प्रथम शर्त पे आ जाते हैं और आपकी फर्स्ट कंडीशन बहुत इजी है. 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. उसे सही उत्तर पर 3 नंबर मिलते हैं और गलत उत्तर पे उसका 1 नंबर कट जाता है. तो आप ये देखिए कि वो सही क्वेश्चन कितने करता है x, और उसे एक क्वेश्चन पे 3 marks मिलते हैं मतलब 3x. वो गलत क्वेश्चन कितने करता है y, और उसके एक गलत क्वेश्चन पे उसका 1 mark कट जाता है मतलब 1y. और इन दोनों को मिलाकर नहीं, इन दोनों को माइनस करके उसे 40 नंबर मिलते हैं. जब आप टेस्ट में आपका, आपने अगर टेस्ट में कोई क्वेश्चन गलत किया तो उसके मार्क्स आपके, उसके जो गलत क्वेश्चन आपने किया उसके नंबर आपके टोटल मार्क्स में प्लस थोड़ी होते हैं, माइनस होते हैं. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यश सही क्वेश्चन कर रहा है एक्स, जिस पर उसे 3 marks मिलेंगे. ठीक है, जैसे मान लो 5 questions सही किए, एक क्वेश्चन पे उसे 3 marks मिले तो कितने मार्क्स मिले, 15 इस टाइप से. तो ये x और y क्या है, x और y सही और गलत उत्तरों की संख्या है, करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर के नंबर है. मतलब वो अगर x क्वेश्चन करेक्ट करता है तो उसे एक क्वेश्चन पे 3 marks मिलते हैं, और y क्वेश्चन इनकरेक्ट करता है तो उसका 1 नंबर इसमें से कट जाता है. ऐसा करके उसे कितने मार्क्स मिलते हैं, 40, 40, ये नंबर बना. ठीक है, अब हम सेकेंड कंडीशन पे आएंगे. दूसरी शर्त, सेकेंड कंडीशन दूसरी शर्त क्या है, had 4 marks being awarded for each correct answer. जब वो सही क्वेश्चन करता है उसे 4 नंबर मिलते हैं एक क्वेश्चन पर, तो सही क्वेश्चन कितने कर रहा है वो x, उसे कितने मार्क्स मिलेंगे हर क्वेश्चन पे 4. And 2 marks been deducted from each incorrect answer. और जब वो गलत क्वेश्चन करता है तो गलत क्वेश्चन कितने कर रहा है वाई, वहां उसके 2 marks एक क्वेश्चन पे कट जाते हैं, और सही किए गए क्वेश्चन में से गलत किए गए क्वेश्चन के मार्क्स काट कर उसे टोटल 50 नंबर मिलते हैं. ये आपका सेकेंड इक्वेशन, दूसरा समीकरण बन गया, हो गया. ठीक है, अब हम लोग आसानी से इसे एलिमिनेशन से, विलोपन से सॉल्व कर देंगे. आप लिख देना, मैं शॉर्टकट कर रहा हूं. इक्वेशन 1 and 2 सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, प्रथम और द्वितीय समीकरण विलोपन विधि से हल किया जाए. y के गुणांक, y के कोएफिशिएंट सेम कर दे तो 5 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, 1 का मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे, ये हो जाएगा 2 3 6x 2 1 2y 42 18 4 1 4x 2 1 2y
51 50। वाई से वाई कैंसिल करने के लिए नीचे के साइन चेंज कर दे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। 6x में 4x गया तो 2x आएगा और 80 में 50 गया तो 30 आएगा। x निकालने के लिए 50 के अपॉन में 2 आएगा तो x का आंसर आ गया 15। इसे नंबर 1 में रख दे तो नंबर 1 है आपका 3x, में शॉर्टकट कर रहा हूं ध्यान दे, ठीक है। तो 3 × x की जगह 15 आएगा 15 माइनस 1y इक्वल टू 14, 15 थ्री 45, 15 थ्री 45 माइनस 1y मतलब y इक्वल टू 40 माइनस y यही रहेगा, 40 यही रहेगा, प्लस 45 माइनस 45 होगा तो माइनस y इक्वल टू माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल तो y 5 आ गया, ठीक है। अब हमारा आंसर आ गया, कैसे आ गया मैं नीचे साइड ना लिखकर यही आपको समझा दे रहा हूँ, आप ये नीचे लिख देना जहाँ क्वेश्चन ऐड होता है। हमने सही हल किए प्रश्नों की संख्या को x माना था, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इज x, तो x क्या आया आपका 15 15, मतलब उसने 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन सही किए और गलत किए गए प्रश्नों की संख्या को y माना था, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर y, तो y आया आपका 5। इस टाइप से आप अपना क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अब इसको चेक भी करके दिखा देता हूं, ठीक है। चेक कैसे करोगे, फर्स्ट कंडीशन उसने करेक्ट क्वेश्चन कितने किए 15, उसे 3 मार्क्स मिलते हैं मतलब 45 नंबर 45, और गलत क्वेश्चन कितने किए उसने 5, उसका एक नंबर के हिसाब से 5 नंबर कट जाते हैं, इन दोनों को माइनस करके कितने नंबर मिले उसे 40 नंबर मिले। सेकंड क्वेश्चन में सही क्वेश्चन कितने कर रहा है वो 15, उसे एक क्वेश्चन पे कितने नंबर मिल रहे 4, यानी कितने नंबर मिले उसे 60। गलत क्वेश्चन कितने कर रहा है वो 5, और एक क्वेश्चन पे उसके 2 मार्क्स यानी 10 मार्क्स कट जाते हैं तो कितने नंबर मिलेंगे उसे 50, ओके ठीक है। और आपको बताना है कि परीक्षा में कुल कितने प्रश्न थे, टोटल क्वेश्चंस कितने थे, तो करेक्ट क्वेश्चन उसने 15 किए और इनकरेक्ट 5, मतलब टोटल कितने क्वेश्चन थे 20 थे। इस टाइप से आप इसे और अच्छे से आप अपने हिसाब से अपने कॉपी के अंदर कर सकते हो, टोटल क्वेश्चन 20 थे 20 थे, ओके। चलिए अब हम इसका आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो आपका 3.5 एक्सरसाइज का ही है, क्वेश्चन नंबर 4th का 5th, ये आयत पर आधारित प्रश्न है बेस्ड ऑन रेक्टेंगल। आप जानते हो ये आयत रेक्टेंगल क्या होता है, इस टाइप से ये आयत होता है रेक्टेंगल, ठीक है। लेंथ ब्रेथ लंबाई चौड़ाई जो भी आप इसे बोलते हो, आयत जो होता है रेक्टेंगल जो होता है वो लंबाई और चौड़ाई के आधार पर अपना क्षेत्रफल अपना एरिया बनाता है क्रिएट करता है, मतलब आयत का जो क्षेत्रफल होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल उसकी लंबाई और चौड़ाई के आधार पर निकाला जाता है, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करोगे, हमें तो दो चीजें चाहिए, दो वेरिएबल चाहिए, दो चर चाहिए, तो ये आयत का प्रश्न होने की वजह से रेक्टेंगल का क्वेश्चन होने की वजह से हम इसकी लंबाई को लेंथ को एक्स मान लेंगे और चौड़ाई को ब्रिथ को वाई मान लेंगे, ठीक है। मतलब माना लंबाई एक्स इकाई इकाई और चौड़ाई वाई इकाई, आप सेंटीमीटर भी ले सकते हो, ठीक है। सपोज लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x यूनिट एंड ब्रीथ इक्वल टू y यूनिट, ठीक है। अब इस प्रश्न में आयत के क्षेत्रफल की बात भी हो रही है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो हम वो भी निकाल लेते हैं, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का जो क्षेत्रफल होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लंबाई लेंथ x है चौड़ाई ब्रेथ y है और इसका आंसर कभी भी वर्ग में आता है स्क्वायर में वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट। तो ये आप लोगों की ओरिजिनल कंडीशन है,
ओरिजिनल कंडीशन मतलब जब आयत का लंबाई x है और चौड़ाई y है तो क्षेत्रफल xy होगा। जब एरिया सॉरी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x है और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल y है तो उसका एरिया हो जाएगा xy स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब अगर हम किसी आयत के लंबाई और चौड़ाई में कमी या वृद्धि करते हैं तो उसके क्षेत्रफल पर भी प्रभाव पड़ेगा। फैक्ट, ये बिल्कुल सच है, अगर हम किसी आयत की लंबाई चौड़ाई को बढ़ाते या कम करते क्षेत्रफल प्रभावित होगा। अगर हम किसी रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेथ में कोई चेंजेस करते हैं तो डेफिनेटली उसका एरिया भी चेंज होगा। यही आपका क्वेश्चन है और इसी के अकॉर्डिंग आपको दो समीकरण दो इक्वेशन बनानी है। कैसे बताता हूं, यहां से कर रहा हूं मैं आपका प्रथम शर्त फर्स्ट कंडीशन। देखिए आपकी लंबाई लेंथ एक्स है और चौड़ाई ब्रिथ y है और इन दोनों का गुणा करके मल्टीप्लाई करके जो क्षेत्रफल आता है यानी एरिया वो xy आता है ना। अब उसने क्या बोला है सुनिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट, यानी एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। क्षेत्रफल एरिया कम हो जाता है कितनी इकाई से, कितनी यूनिट से, 9 वर्ग इकाई 9 स्क्वायर यूनिट। तो ये क्षेत्रफल है, ये एरिया है, ये 9 स्क्वायर यूनिट 9 वर्ग इकाई से कम हो गया। लेकिन कब कब कम हुआ, ठीक है, इफ इट्स लेंथ रिड्यूस बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इंक्रीज बाय 3 यूनिट, जब इसकी लंबाई 5 से कम कर दी गई और चौड़ाई ब्रेथ इंक्रीज कर दी गई बढ़ाई दी गई 3 से। इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी रेक्टेंगल की लेंथ को लंबाई को 5 इकाई 5 यूनिट कम कर दें और चौड़ाई को ब्रेथ को 3 इकाई 3 यूनिट बढ़ा दें तो ऐसा करके उसका जो क्षेत्रफल आता था एरिया आता था एक्स वाई उसमें 9 वर्ग इकाई की 9 स्क्वायर यूनिट की डिक्रीजिंग हो गई कमी हो गई। तो यहां से आपका पहला समीकरण फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, x का y से करेंगे x y प्लस x का 3 से करेंगे 3x माइनस 5 का y से करेंगे 5y माइनस 5 किया 15 5 3 का 15 और यहां आएगा x y माइनस 9। ये x y से x y कैंसिल हो गया 3x माइनस 5y ये माइनस 9 यही रहेगा माइनस 15 माइनस 15 बन जाएगा प्लस 15 तो 3x माइनस 5y 15 में से 9 गया 6 15 में 9 गया 6 प्लस 6 आएगा प्लस का साइन बढ़ाए ये नंबर 1 आ गया। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन पे आ जाओ। आपकी दूसरी शर्त, आपकी लंबाई लेंथ x है चौड़ाई ब्रेथ y है और इन दोनों का गुणा करके मल्टीप्लाई करके क्षेत्रफल एरिया क्या आता था xy। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, अगर हम लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दें। ठीक है, लंबाई लेंथ x है उसमें 3 और चौड़ाई ब्रेथ y है उसमें 2 बढ़ा दें इंक्रीज करते तो डेफिनेटली क्षेत्रफल भी बढ़ेगा एरिया भी बढ़ेगा। ऐसा करने से द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट, आपका जो क्षेत्रफल है वो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है यानी उसमें हम 67 प्लस कर देंगे। दूसरा समीकरण सेकंड इक्वेशन आएगा, x का y से करें xy, x का 2 से करें 2x, 3 का y से करें 3y और 3 2 जा 16 दूनी 6 यह आएगा xy प्लस 67 ये xy से xy कैंसिल हो गया 2x प्लस 3y। ठीक है, 67 में से ये प्लस 6 हो जाएगा माइनस तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू 61 ये आपकी दूसरा समीकरण सेकंड इक्वेशन बन गया। ठीक है, आपको लंबाई चौड़ाई बतानी है लेंथ और ब्रेथ बतानी है तो फिर आप लोग इसे विलोपन से एलिमिनेशन से सॉल्व कर दे, मैं कर देता हूं। अब इसे एलिमिनेशन से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, करिए सॉल्व। क्या है आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये है 3x माइनस 5y इक्वल टू 6 और सेकेंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 61
तो इसके y के गुणांक y के कोएफिशिएंट सेम करने के लिए 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 5 का नीचे, 3 3 9x, 5 3 15y, 6 3 18 और 5 2 10x, 5 3 15y और इसका इससे करेंगे तो 5 5 6 5 30, ठीक है। सीधे सीधे 15y से 15y कट गया, 15y से 15y कैंसिल हो गया, तो आपको साइन चेंज करने की, संख्या बदलने की जरूरत, चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 19x आएगा, 19x, और इन दोनों को प्लस करेंगे 323 आएगा, 323, ठीक है। उसके बाद x निकालने के लिए 323 323 के अपॉन में 19 आएगा, और इसको जब 19 से हम कैंसिल करेंगे तो 17 आ जाएगा 17। ये देखिए 323 323 को जब 19 से भाग देंगे 19 से, तो 19 से कम 19, 19 बनता 19, ये 3 आएगा, ये 1 आएगा, और 19 से बनता 133, 19 साथ 133, ठीक है। तो x का ऊपर जो आ गया वो 17 आ गया 17। अब इसे हम नंबर 1 में रख देंगे। क्या है आपका नंबर 1? अब x आ गया ना, y निकालने के लिए इसे नंबर 1 में रखते हैं। नंबर 1 क्या है आपका? 3x minus 5y equal to 6, यही नंबर 1 है, ठीक है। तो 3 into x की प्लेस पर आपका 17 आ जाएगा, 17 minus 5y equal to 6, ठीक है। देखिए 17 से 51 minus 5y equal to 6 plus 51 हो जाएगा minus 51 माइनस 5y इक्वल टू 51 में से जब 5 माइनस करोगे तो 45 आएगा, बट माइनस 6 माइनस करोगे तो 45 आएगा, लेकिन माइनस में माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 45 के अपॉन में 5 आएगा, 5 9 जो 45, तो y आपका आ गया 9, ठीक है। अब आप लोग इसे ब्लैकबोर्ड पे प्लेस ना होने की वजह से डायरेक्टली कर सकते हो, मैं आपको, आप काम नीचे करना, मैं आपको ऊपर ही कर दे रहा हूं। लंबाई को, लेंथ को आपने x माना था, तो x जो आ गया आपका 17 आ गया, 17 इकाई यूनिट, और ब्रेथ को, चौड़ाई को आपने y माना था, तो वो आपका आ गया 9 इकाई 9 यूनिट। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ओके।